अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत सी मशहूर चीज़ों के पीछे अजीब फैक्ट छुपे होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही पांच हैरतअंगेज फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगे। नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है कि सफ़ेद रंग की कोका कोला क्यों बनाई गई थी? जॉर्जिस कॉफ दूसरी जंग अजीम में रशियन आर्मी का मशहूर जनरल था। इस आदमी को कोका कोला बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन रशिया ने कोका कोला को अपने मुल्क में बैन कर दिया। इस जनरल ने अमेरिकन सदर को एक रिक्वेस्ट की कि एक ऐसी कोक बनाए जो कोका कोला की तरह ना लगे और रशिया में इसके लिए छुपाकर भेजी जा सके। कोका कोला ने कोक से कैरेमल निकाल दिया जिससे इसका रंग ट्रांसपेरेंट हो गया और यू कोक की ये सफ़ेद बोतलें रशिया में भेजी गईं और किसी ने रोका भी नहीं और इसी तरह सफ़ेद रंग की कोका कोला ईजाद हो गई। नंबर टू, दोस्तों ओके एक ऐसा लफ्ज़ है जो सैकड़ों दफ़ा हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ का असल मतलब क्या है? इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 1839 में बोस्टन मॉर्निंग नामी अमरीकी अखबार में मजाक के तौर पर ऑल करेक्ट को गलत स्पेलिंग के साथ OLLKORRECT लिख दिया, यानी ओके, और यहीं से ओके का लफ्ज़ मशहूर हो गया जो कि ऑल करेक्ट की गलत स्पेलिंग है। मजाक में लिखे जाने वाला ये लफ्ज़ आज ओके के तौर पर दुनिया भर में बोला जाता है। ये लफ्ज़ लिखने वाले आदमी का नाम एलन वॉकर वेट था। नंबर थ्री, दोस्तों 1999 में हॉटमेल में एक इंतहाई अजीब सिक्योरिटी बैच हुआ। कुछ हैकर्स का दावा था कि हॉटमेल के तमाम अकाउंट को एक पासवर्ड से खोला जा सकता है और वो पासवर्ड EH है। हॉटमेल के इस वक्त 5 करोड़ अकाउंट थे और आप सोचेंगे ये तमाम अकाउंट सिर्फ एक पासवर्ड EH के साथ खोले जा सकते थे। हैकर्स का कहना था कि हमारा मकसद हॉटमेल को खबरदार करना है। हॉटमेल ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके कुछ एम्प्लॉयज ने ये बात तस्लीम की थी। नंबर फोर, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2016 से पहले हैप्पी बर्थडे का मशहूर गाना पब्लिक प्लेस पर गाना जुर्म था। हैप्पी बर्थडे के गाने को हम सब जानते हैं, लेकिन इस गाने पर 2016 से पहले कॉपीराइट से। इस गाने को 1935 में समर म्यूजिक कंपनी ने बनाया था और 1988 में वार्नर चैपल म्यूजिक ने खरीद लिया था। इन लोगों ने पाबंदी लगा दी थी कि इस गाने को उनकी इजाज़त के बगैर पब्लिक प्लेस पर कोई नहीं गाएगा, इसलिए अमेरिका में तो खास तौर पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो कोई नहीं गा सकता था क्योंकि कानूनन जुर्म था। 2016 में अमेरिकी अदालत ने कानून को तब्दील किया था। नंबर फाइव, दोस्तों अगर आप facebook.com के आगे /4 लगाएंगे तो कुछ अजीब होगा। /4 लगाकर अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो आप सीधा फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। इसकी वजह यह है कि मार्क ज़करबर्ग दुनिया का वो वाहिद चौथा बंदा है जिसने फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई थी। इसी तरह अगर आप facebook.com के साथ /5 लगाएंगे तो क्रिस ह्यूग्स की प्रोफाइल खुल जाएगी क्योंकि फेसबुक पर अकाउंट बनाने वाला ये पांचवा आदमी था। और आखिर में एक फन फैक्ट, कुत्तों की सूंघने की सलाहियत इतनी ताकतवर होती है कि कुत्ते करोड़ों गैलन पानी में मौजूद एक छोटे से चीनी के चम्मच को भी सूंघ कर डिटेक्ट कर सकते हैं। कुत्ते हमारा शुगर लेवल तक पहचान सकते हैं। कई कुत्तों को तो बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि इंसान का अगर शुगर लेवल ऊपर है या नीचे है तो सूंघ कर उनको फौरन अलर्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।